कार्यकर्ता समाज की नेता धर्मश्री रंजना कुमारी जी, जो कि कभी अरसे से महिलाओं के हर कुटुंब के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। माननीय किरण देवी जी, जो कि अपनी पहचान खुद है एक प्रशासन में एक डायनेमिक लीडर, और श्री मेरे सहयोगी सांसद, हम लोग राज्यसभा में साथ में बैठते हैं, माननीय राजा साहब, ये राजा जी भी और माननीय प्रोफेसर साहब आनंद जी, अन्य सभी उपस्थित आज की इस महिला रिजर्वेशन बिल के समर्थन में एकत्रित सभी साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रतिनिधि, देखिए यहाँ महिला आरक्षण का एक मूल मुद्दा है, विषय है, इसे लेकर के आज का आयोजन माननीय रंजना कुमारी जी ने किया, हम सबको यहाँ एकत्रित किया अपने विचार रखने के लिए। मैं कुछ वो बातें रखना चाहती हूँ आपके सामने जो कि हकीकत है, जो कि यथार्थ है। मैं जानती हूँ, आप जानती हैं ना कि 33% महिलाएं यहाँ है सैक्रिफाइस, हमारे कई भाइयों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब डर ये है कि पता नहीं किसमें बिजली गिरेगी, कौन सी सीट जाएगी, महिला सीट हो जाएगी, अपनी सीट चली जाएगी। ठीक है, हम समझते हैं, हम मानते हैं आसान नहीं है अपना पद छोड़ना, लेकिन कुछ हम तो उनसे कहते हैं भाइयों, महिलाओं ने माँ बहन पत्नी बेटी के रूप में आपको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को अब तक हाथ बनाकर पाया है, आपका व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, इसी के शायद ये सही बनी है, देयर इज अ वुमन आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन, देयर इज अ वुमन। तो मैं ये भी कहती हूँ साथ में, ये तो दोनों पहलू प्रकृति के हैं, कोई औरत भी अगर सफल होना चाहेगी, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेगी, तो उसे भी उसी तरह पुरुष के सहयोग की आवश्यकता है। तो अब तक महिलाओं ने बहुत सहयोग किया आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आज उनकी भी बारी है, थोड़ा हिस्सा में भी तो आधी आबादी है, 50% 33% की मांग कर रहे हैं, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन कुछ इससे समाज का, इससे देश का विकास होगा, देश मजबूत बनेगा। अरे भाई, ये देश की गाड़ी जो चल रही है, एक पहिया अगर गाड़ी का, ट्रैक्टर का हो और एक अगर साइकिल का हो, तो उसकी क्या स्पीड होगी? तो भाई दूसरे पहिए को भी मजबूत करो, ये प्रकृति के दो पहिए हैं, यही बात है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि ये विचारधारा, ये देन किसकी थी, मैं राष्ट्र याद करती हूँ, और लोगों की याददाश्त शायद बहुत छोटी होती होगी जो भूल जाते हैं, राजीव गांधी जी की देन। उन्होंने सबसे पहले महसूस किया कि ये जो महिलाएं हैं, ये भी समाज में एक कमजोर वर्ग है, और जो कमजोर है उसे सहारे की जरूरत है, उसे आरक्षण की जरूरत है। इनको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, इन महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में न्याय नहीं मिलेगा, इनको कोई आगे नहीं आने देगा। उनकी सोच के तहत कांग्रेस सरकार के समय में महिलाओं को 33% आरक्षण नगर निगमों, निकायों, लोकल बॉडीज और पंचायत राज में मिला, ये राजीव गांधी जी की देन है, ये सोच तब से शुरू हुई है ये प्रक्रिया। और मुझे गर्व है कि डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में और सोनिया गांधी जी जो यूपीए की अध्यक्ष हैं, मैं कोई मुद्दे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रमाण सहित बात